नमस्कार अर्गस अपडेट सह मुनिवेदिता बुलेटिन आरंभ करबा हेले प्रथमे हेडलाइंस। राजधानी चांचल्य स्त्रीक पिटी पिटी हत्या कला पिशाच स्वामी चंद्रशेखरपुर थाना स्थित बिरसा मुंडा बस्ती अभावनीय घटना पारिवारिक कलहरु हत्याकांड घटिथिबा पुलिस सूचना। झराफुल मृत्यु घटनारे पुलिस हाथ में लगला आउ एक प्रमाण। घटना दिन अभियुक्त राकेश पिंधिता प्यांट सार्ट जबत कला पुलिस। घटना दिन राकेश व्यवहार कर मोबाइल भी जबत। तीनदिनिया बेंगल गस्तरे केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान पानागड़ इंडस्ट्रियल पार्क करिबे परिदर्शन। आसंता काली हलदिया थारे प्रधानमंत्री कार्यक्रम करिबे समीक्षा। बलांगीर टीटलागड़ रास्तार सगरपाली में मर्मतुद सड़क दुर्घटना। भारसाम्य हर गछरे पिटीला कार दुई मृत दुई गुरुतर। गुरुतर को बलांगीर भीम भोई मेडिकल कॉलेज में भर्ती। आज कोटिया लोकों सह आलोचना करेंगे मुख्यमंत्री। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से बहु विकासमूलक प्रकल्प करेंगे शुभारंभ। सेपटे 13 और 17 तारीख में सीमांत अंचल में निर्वाचन कर आंध्र। आसला आईसीएमआर तृतीय सेरो सर्वे रिपोर्ट। देश में कमुची कोरोना संक्रमण 21.3% देह में मिली आंटीबॉडी। राज्य नवरंगपुर और कंधमाल कोरोना मुक्त। पारादीपगढ़ में पुलिस को आक्रमण घटना 7 जन को राति उठाई नेला पुलिस। पुलिस को आक्रमण कर अभियुक्त को छड़ाई नहीं गां लोके 4 पुलिस कर्मचारी आहत। एवं आज भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज चेन्नई में खेल प्रथम मैच। कोरोना कटकणा पर प्रथम थर निज माटी मैच खेल टीम इंडिया। राजधानी में चांचल्य स्त्री को पिटी पिटी हत्या करिथिबा अभियोग। चंद्रशेखरपुर थाना स्थित बिरसा मुंडा बस्ती में देखा मिली एभली अभावनीय घटना। पारिवारिक कलहरु हत्याकांड घटिथिबा अभियोग। स्वामी रंगलाल पूर्ति स्त्री ममिना पूर्ति को पिटी पिटी हत्या करिथिबा अभियोग। पारिवारिक कलहरु एभली हत्याकांड घटिथिबा पुलिस प्राथमिक तदंतरु सूचना मिली। पुलिस घटनास्थल में पहुंची शव को जबत कर व्यवच्छेद कैपिटल हस्पिटाल को पठाई। संतोष जेना आम भुवनेश्वर प्रतिनिधि आम सहित फोन लाइन जोड़ी। संतोष क्यों परिस्थिति रे घटना घटला पूरा घटना जानवा को चाहिबो। गतकाली विलंबित रातिर एभली एक अभावनीय घटना सामना को आसुची जे मामाली कुर्ती जे अछंती तांकर स्त्री अर्थात रंगलाल कुर्ती को स्त्री अछंती उभयंक भितरे या पूर्वरु मध्य बारंबार कल झगड़ा लागी रहितला एवं रंगलाल कुर्ती निशासक्त अवस्था थिले एवं सामान्यतम कारण निज निज भितर पछता दुई जन उभये निशाशक्त अवस्था स्वामी रंगलाल कुर्ती मारे स्त्री मृत्युवरण कर प्राथमिक सूचना जहां मिली। वर्तमान पुलिस रंगलाल कुर्ती को अटक रखी सहित स्त्री शव को व्यवच्छेद कैपिटल हस्पिटाल पठाई। जदि जेहेतु रंगलाल कुर्ती एपर्यंत स्पष्ट भाव कौन कथा कहूना मारा कारण कौन थी एक बर्तमान समय कही ना हूं तो साइंटिफिक टीम घटनास्थल को जापे तदंत करें। समय प्राथमिक तदंत रु जहां सूचना मिली एक पारिवारिक कलह निशाशक्त अवस्था स्वामी स्त्री को माड़ मारु हटात स्त्री मृत्यु घटी स्वामी जापारी यह निशाशक्त अवस्था बर्तमान समय प्राथमिक सूचना मिली। अर्थात निशाशक्त अवस्था एभली एक अभावन घटना घटी बर्तमान जी अभियुक्त पुलिस अटक रखी। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष आपण सूचना पाई। झराफुल मृत्यु घटनारे पुलिस हाथ में लगला आउ एक प्रमाण। घटना दिन अभियुक्त राकेश पिंधिता प्यांट सार्ट जबत कला पुलिस। घटना दिन राकेश व्यवहार कर मोबाइल भी जबत कर पुलिस। यासो राकेश रिमांड अवधि शेष होर्टे हाजर कर घटना को 8 दिन बीती भी एजाए घटना उपर उठी पारुनी पर्दा। गतकाली कुआखिया पुलिस को अभियुक्त राकेश व्यवहार कर स्कूटर मिलता बेले झराफुल मोबाइल फोन कि राकेश बंधु सतीशेखर एजाए कौन पत्ता पाईपारी ना पुलिस। से लाल रंगर स्कूटर ही भुवनेश्वर जाजपुर नहीं झराफुल मृतदेह फिंगी राकेश। भुवनेश्वर सुंदरपदार एक परित्यक्त स्थानु गत काली गाड़ी को उद्धार कर पुलिस। तेरे गाड़ी डिक्की रखा जाता नंबर प्लेट। पुलिस घटनास्थल को जा गाड़ी को जबत कर जाजपुर नहीं।
संतोष जेना आम प्रतिनिधि फोन लाइन जोड़ी। संतोष जदि कह कि आज रिमांड अवधि शेष होनी दिन जो भाई भाव रिमांड राकेश को अणा जाता कि कौट ना कौटी पुलिस संपूर्ण घटना परदा हटे पारि कौन रही बर्तमान अपडेट देखो आम पूरा स्पष्ट भाव में कही पार्वानी जो संपूर्ण घटना उपदा उठे पार्मी पुलिस कहीं समस्ते जानते एक जिते बोले अभियुक्त रिमांड रे आसे रिमांड अवधि सरी सारापुर पुलिस पक्ष एक सूचना दि जाए से सूचना को आमको अपेक्षा करने को पड़ो एवं पुलिस वास्तविक ये तीन दिन रिमांड भितर कौन कौन जाना चाहे पाई प्रथम दिन घटना देखू जिते बड़े कौन प्रकार जिते बड़े प्रथम अणागला पचरा उचरा गलापर गेस्ट हाउस को अणागला एबे का जहां सूचना मिलू रिमांड आसवा बेले अभियुक्त राकेश तार मोबाइल फोन आउ तार ड्रेस कौटी कौटी लुचे की रखी था एक से स्पष्ट कर सारी अर्थात पुलिस को अनेक गुड़े प्रमाण मिलला तथा कहतु तर अय होटेल कर्मचारी प्रतिक्रिया अय होटेल सीसीटीवी विजुआल अनेक दुकान सीसीटीवी विजुआल और शब फोपाड़ा जावा समय सीसीटीवी विजुआल या सहित जो मोबाइल अच्छी राकेश रिलला कॉल डिवेशन किभली भाव में अच्छी जदि कौन प्रकार विषक्रिया जनित मृत्यु होता है कि हटात किभली भाव में घटना होता है जेहतु सहयोगी को से डाकि फोन रे कौन कही एक पुलिस जापर एवं हटात आम एक पार्वानी जे कौन प्रकार पुलिस पर्दा उठे पार्नि हुए तो या जिला एसपी अच्छा सूचना मिलू प्रेस मिट करे सब घटना बर्तमान समय स्पष्ट हम या सहित आउ किसी जहां सूचना बर्तमान समय मिलू एजावत राकेश सहयोगी को चिन्हट कर सारी किंतु एपर्यंत तार पता मिलूनी अर्थात से फेरार अच्छे पुलिस पक्षर एक सूचना दिखाई जे राकेश को हुए तो आउ द्वितीय थर रिमांड आनिबाकु पड़िबनी इथिपाई पुलिस सूत्र सूचना मिलू द्वितीय थर रिमांड आनिबाकु पड़िबनी जे राकेश बोध हुए अनेक किसी कथा बर्तमान समय पुलिस को खोलिकी कही सारी या सहित आम समस्त को गोटे कथा बुझना को पड़ो जे पुलिस तदंतर अनेक दिग छाड़ी दूसरे अर्थात केवल जे क्राइम सीन जिते क्रिएट हुए से प्राथमिक भाव में गोटे अभियुक्त कथा को गुरुत्वर सहकार पुलिस निए अर्थात एटी राकेश मध्ये समान घटना घटी राकेश जो विषक्रिया जनित मृत्यु कथा कही पुलिस तारी पचरे पड़ी पुलिस आ दिग को बर्तमान समय ध्यान दौनी एक आम पुलिस अभियोग आनीपरिया या सहित एक बर्तमान समय जहाँ सूचना मिलू जे गोटे कथा जेहेतु भिसरा रिपोर्ट बर्तमान समय आसी कई कई सूचना दूसरी जे कौन प्रकार पार्श्व प्रतिक्रिया थी पारे किंवा कौन प्रकार विषक्रिया जनित मृत्यु होपे ना हत्या हो पारे जेहेतु शव व्यवच्छेद रिपोर्ट पुलिस पाखे आसी पुलिस अर्थात संतोष आमको अपेक्षा करने को पड़ो पुलिस केतबेले प्रेस मिट करेतु रिमांड अवधि सर लगी जाना अपेक्षा रहा बहुत बहुत धन्यवाद संतोष आपण सूचना पाई। धान मंडी अव्यवस्था को नहीं बीजेपी गण विक्षोभ खोला आकाश तले पड़ रही चाषीर कष्ट उपार्जित धानर सहायक मूल्य दाबी रे बीजेपी गण विक्षोभ तेज मंडी में जोभली भाव शह शह धान बस्ता पड़ रही जो वर्तमान चाषी अनेक समस्या भोगुंट जहाँ असंतोष देखा मिली जो बीजेपी पक्षर गणधारणा दि जाइए सदासख नहीं चलु कलाहां भवानीपाटना आम प्रतिनिधि जशवंत धागणा माझी आम सहित जोड़ जशवंत पाखक जावाक चाहिए कौन रही बर्तमान अपडेट जाना तेज जशवंत जो भाव राज्य तमाम जो भी देख सबुठी से समान स्थिति मंडी धान उठी पारुनी चाषी मुख्य समस्या या ही रोची तबे जो पूर्व बीजेपी एने प्रतिवाद करिछे आज बीजेपी पक्षर गण विक्षोभ कर कौन रही तादा चित्र जानवा को चाहिए गोटे मुख्य समस्या जहाँकि जो धान मंडी वर्तमान सुधा धान उठी पारे कलाहांडी जिलार कथा जदि आम कह पाखापाखि 220 ऊर्ध मंडी अच्छी से मंडी मंडी मानक आज पर्यंत ठीक भाव में धान उठी पारे एवं मुख्य समस्या बर्तमान गोटे उपजी जहाँ को लेकिन टार्गेट को लेकिन गोटे मुख्य समस्या और जो टोकन लेफ्ट हो गोटे मुख्य समस्या तो बर्तमान जो बीजेपी पक्षर जो कलाहांडी जिलार पाखापाखि 220 मंडी में गणधारण दि जाइए तेज आम अच्छा बर्तमान जो भवानीपाटना ब्लक्र अटांगुड़ा मंडी में अटांगुड़ा मंडी दृश्य
दृश्य हूँ आप ये देखिपे जो सरकार कहते खोला आकाश तले गोटे प्रकार जो चाषी मान समस्त प्रकार व्यवस्था करूँ आप देखिपे कि भाव में खोला आकाश तले मंडी रही मंडी मान ये हूँ जो सरकार व्यवस्था जदि कहीपर जो चाषी मान प्राप्य जो गोटे परसेंट नहीं कि जमी मंडी व्यवस्था करवा कथा से भाया कौन सी व्यवस्था नहीं आपड़ देखते खोला आकाश तले धान पड़ रही गोटे कथा है जो धान पड़ रही फल जो बर्ष जो वर्षा आसूची वर्षा पर शीत जो एन रो कटनी छटनी समस्या रोचे आउ गोटे मुख्य कथा है जो ये धान रखापी सेड्र व्यवस्था करवा कथा कौन सेड्र व्यवस्था कराफल कि जो धान ये मंडी में तले रखुं तले रखा फल जेहेतु धान तार आर्द्रता कमुची एवं जो किसी जो मूषा भी आसिक धान खाई नष्ट करदे सीधा सड़क आम कथा जो बीजेपी जो भवानीपाटना विधानसभा निर्वाचन मंडल जो विरोधी दल नेता अच्छा प्रदीप्त नायक अच्छा सहित आलोचना करवा कि भाव में जो मंडी मानक समस्या देखा जा गोटे कथा है जो जो मंडी समस्या को लेकिन विरोधी दल नेता और बीजेपी अनेक मान आंदोलन को ओल्ल विरोधी दल नेता अच्छा सहित आलोचना करवा सर कौन कहे आज मंडी मानक समस्या जिले आज भी धान पड़ रही आज भी आपण जिले में पाखापाखि 30 गोटी मंडी बंद अच्छी बाकी 180 गोटी मंडी में धान आज भी पर्याप्त परिमाण में पड़ के रही आज नरला निर्वाचन मंडल भवानीपाटना ब्लक अटांगुड़ा मंडी में ड़ा होती जो 46 चाषी धान आज भी गदा होती 5279 बस्ता धान पड़ के रही जार परिमाण 2678 क्विंटल एणे सरकार 25-2021 सुधा लिफ्टिंग करिवार बंद करिवार नोटिस देथिला बेले चाषी धान खलारे भी पड़ी पैक करके रखिंट मंडी में जगह नथिबा कारण चाषी नहीं भी आसी ना ये सबू धान को आकलन करके सरकार तुरंत उठातु कटनी छटनी बंद कर मंडी में पड़ा खोलार सब धान चाषी भाई धान को उठा जाऊ कारण एवं चाषी अलग चाष सेकेंड क्रप करने प्रस्तुत है टंका ना एणे नवीन बाबू केन्द्र सरकार को निंदा करने जो 2000 कोटी टंका दे 25 पश्चिम ओडिशार सब धान उठेबापी आम करदेबू किसी धान रही बोले जो कहते हैं प्रवक्ता मैंने मुझे निंदा करुच्ची फेडराल सिस्टम कौटू के पैसा केन्द्र सरकार मागिकी ने तारी ये चाषी दायी नुहे जे केन्द्र सरकार पैसा दे एणे केन्द्र सरकार आपन को 13,000 कोटी टंका देखते धान किणवापी तुरंत से धान उठा आज भी जिले में 4 लक्ष क्विंटल धान रो टारगेट अच्छी मिलर्स एवं सरकारी बाबू सागर घाटघाट सारघाट देवा कारण बीजेपी के भाव ये बदनाम हो तारी कारण से माने धान उठेबा गतिमंथर कर आज आम कहपर 2 दिन है धान उठवार आरंभ होवेदन करुचु चाषी कहार निजस्व लोक नुहे चाषी देशर चाषी सबू धान उठू चाषी भाई हैरान न हो ये आम ये उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी धारणा दौची कौन सी राजनीतिक मूल्य अभिचंदी आमर ना तेणु निवेदन सरकार को पुनर्वार जो सब धान मंडी में पड़ी रही आकलन कर सब धान को उठा जाओ गोटे जिन बर्तमान जो टारगेट को लेकिन गोटे मुख्य समस्या देखा जाए सरकार कहते टारगेट ना बोली कितु ये चाषी मानक जो टोकन दि जाए टोकन भी लेफ्ट हो सारी और बर्तमान चाषी मैंने असुविधार शिकार होती तो ये गोटे है मुख्य समस्या आई जो आप आंदोलन कर गणधारणा देखते आगामी दिन में कौन कार्यपन्थ रदि शीघ्र उठिला ना आज आम जिते संबलपुर धारणा देलु आरडीसी कही जो टोकन सब लैप्स तुरंत कार्यक्षम कर अग्राधिकार भितर उठा आज पर्यंत कार्यकारी है आम ये धारणा दौचु जे भित्तिमि तो कल ना मंडी मानक आज जो अटांगुड़ार मंडीर अवस्था देखुं जो धान पड़ी रही है ताकि तुरंत उठे व्यवस्था करूँ ना पखापाखि प्रभावी रास्ता जो रास्ता सब अच्छे से धान बस्ता सब गदा कर एवं रास्ता बंद कर दिया से समय यदि कौन सी अप्रीतिकर घटना घटे से समय ये सरकार एवं जिला प्रशासन दायी रही है निश्चित भाव में प्रदीप नायक सहित आम आलोचना करूली और सीधा सड़क सरकार को टारगेट कर सरकार को चेतावनी देखते जदि आगामी 2 दिन भितर जो मंडी धान न उठे राज रास्ता को ओह्लैब जिला बीजेपी बोल कि जहाँ से आम सहित आलोचना करुले चाषी अच्छा सहित भी आलोचना करवा आज्ञा आम देखु ये हजार हजार बस्तार धान बढ़ी रही है आपन भी चाषी चाष मैंने धान आनी कौन आज्ञा ये समस्या और धान कहीं उठना मुख्य समस्या तो आज्ञा ये गोटे आमर गोटे स्थायी मंडी नाई
द्वितीय रे आज्ञा आरएमसी रो कोनोसी चासी मांग संगे तार माने ओखा दौनाती कि तले बिछेवा पॉलीथिन दौना आप देखि हजार हजार बस्ता पड़ रही मूसा काटिक तले आड़ नष्ट कर सारे घोड़ेवाई कौन जरी व्यवस्था ना तापर आमर जो हजार हजार बस्ता धान पड़ रही आज्ञा चाषी मैंने बहुत हंत सत हो गले आते बड़े सरकार टार्गेट दौंट आमर मंडी को 1500-1700 ये टार्गेट दौंट जो जगार कि आम 7000-8000 क्विंटाल धान पड़ रही निवेदिता शुणुले आप ये है जो चाषी मानकर कथा जो चाषी मैंने वर्ष तमाम खटिक मानने निज जमीन परिश्रम करस तमाम मानते जशवंत मंडी में पुला पुला मंडी को नहीं पुला पुला अभियोग आसूच सबू भितर हजार हजार धान बस्ता बर्तमान सुधा पड़ रही जहाँ आपको ताजा चित्र देखा कि समस्या समाधान कौन प्रकार हो पार ना जो विरोधी नेता प्रदीप्त नायक आज रास्ता को ओल्लाई विक्षोभ प्रदर्शन कर दावी हूँ दुई दिन भितर समाधान न हुए पूरा पूरी भाव अंचल को ब्लॉक करा जीवो रास्ता घाट बंद कर दिया जीवो एवं जोरसोर से प्रतिवाद करा जीवो बहुत बहुत धन्यवाद जशवंत आपण को तमाम सूचना पाई। बलांगीर टीटलागढ़ रास्तार सगरपाली छक निकट में मर्मतुद सड़क दुर्घटना दुर्घटन दुई जन मृत्यु होता बेले अन्य दुई जन गुरुतर होती आहत को भीमभोई मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल भर्ती कर मृतकों मध्य जड़े स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच मैनेजर थे अन्य जनक परिचय वर्तमान सुधा मिल पारे चारज गोटे इनोभा कार नवरंगपुर भुवनेश्वर जाते समय सगरपाली छक निकट में ड्राइवर नियंत्रण हर कार्टी रास्ता कड़े गोटे गछर पिटी हो जाइथिला घटनास्थल में बैंक मैनेजर और अन्य जनक मृत्यु होता बेले ड्राइवर बीमा हरिजन और अन्य जने गुरुतर होती। कटक मधुसूदन सेतु में दुर्घटना आज सका दुई बाइक मध्य एक मर्मतुद सड़क दुर्घटना घटी प्रत्यक्षदर्शी कहवा अनुसार एक बाइक सह अन्य एक बाइक सह सामनासामनी दुर्घटना होता दुर्घटन आउ एक बाइक आरोही जीवन जाई पुलिस घटनास्थल में पहुंची मृतदेह जबत कर शव व्यवच्छेद पाई पठाई अनेक बाइक आरोही घटनास्थल फेरार हो जा सूचना मिली। तीन दिनिया पश्चिमबंग गस्तरे केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आज दुर्गापुर स्थित पानागड़ इंडस्ट्रियल पार्क मेट्रिक्स फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड प्रदर्शन करेंगे। आसंता काली पश्चिमबंग में कार्यकारी विभिन्न तैल और ग्यास प्रकल्प अग्रगति नहीं तैल विपणन कंपानी आलोचना करने हलदियार आईओ सीएल रिफाइनरी परिदर्शन और कर्मचारी आलोचना करार कार्यक्रम रही है। हलदिया प्रधानमंत्री कार्यक्रम होगा स्थान गस्त कर समीक्षा करेंगे केन्द्रमंत्री तृतीय दिन में हलदिया तैल और ग्यास कंपनी अधिकारी समीक्षा बैठक करार कार्यक्रम रही है। हलदिया प्रधानमंत्री द्वारा देश उद्देश्य लोकार्पण होगा तैल ग्यास और सड़क विभाग प्रकल्प कार्यक्रम में योगदान करेंगे। ओडिशा हाथरु खसी जाउछि कोटिया कोरापुट जिलार एही ग्रामपुंज को आंध्र सरकार निज अख्तियार को नेबाकु दीर्घ दिन रु लोलुप दृष्टि पकाई पूर्व राशन कार्ड और सरकारी योजना आवंटन करी निज स्थिति जाहिर करी आसीथिबा आंध्र चलित मास 13 और 17 तारीख में कोटिया सीमांत गाँ तल गंजेपदर फाटू सिनेरी और फगुण सिनेरी रे पंचायत निर्वाचन कर गोटे पटे आंध्र कोटिया को अख्तियार उद्यम जारी रखी एपटे लोक मनाइवाई ओडिशा सरकार उद्यम आरंभ कर आज मुख्यमंत्री नवीन पटनायक कोटिया अंचल लोकों सह आलोचना करेंगे यासह विभिन्न विकासमूलक प्रकल्प शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया शुभारंभ करार कार्यक्रम रही है। ओडिशा सरकार स्थानीय अंचल पर बहु विकास प्रकल्प कार्य आरंभ कर रास्ताघाट आरंभ कर 10 शय्या विशिष्ट डाक्तरखाना 100 शय्या विशिष्ट विद्यालय क्लस्टर गृह समेत बहु उन्नयन काम जारी रही। आसंता डिसेंबर मध्यभाग सुधा देशर एक पंचमांश लोक कोरोना द्वारा आक्रांत हे आईसीएमआर तृतीय पर्याय सिरो सर्वे रिपोर्ट रु सामना को आसुची एभली तथ्य अर्थात डिसेंबर मझी बेलू देशर प्रति पांच जन जड़े कोरोना आक्रांत हो सारी सेबड़े सर्वे रिपोर्ट आधार में आईसीएमआर कही 10 रु 18 वयसर पिलांक मध्यरे
25.3% कोरोना संक्रमित हो सारी सेरो सर्भे जमापड़ सामग्रिक भाव देशर प्राय 21.3% लोकों देहर आंटीबॉडी विकास लाभ कर सारी से राज्यर दुईट जिला अर्थात नवरंगपुर और कंधमाल कोरोना मुक्त हो दुई जिले में जड़े हेले सक्रिय कोरोना आक्रांत ना स्वास्थ्य विभाग सूचना अनुसार राज्य में मोट सक्रिय कोरोना मामला 800 तौक खसी आसी परादीपगढ़ पुलिस उपरे आक्रमण घटना पुलिस गाँ लोकों मध्य चली छकापंचा अभियुक्त को धरने को जागु बहे छेचा खाइबा आक्शन मोड को आसी जाइए पुलिस पुलिस को बाड़े उत्त्यक्त लोके अभियुक्त को छड़ाई नहीं बेले पुलिस भी सात जन को उठाई नहीं अभावन घटना देखा मिली जगत सिंहपुर जिलार परादीपगढ़ गाँव गाँवर त्रिनाथ दलई नाँ दादाबटी आदाय अभियोग मामला रही जाकु ने गिरफ करने अभयचांदपुर थाना पुलिस साधा पोशाक गत काली संध्यारे परादीपगढ़ गाँव को जाइथिला पुलिस ताको गिरफ कर आनिबा समय परिवार और गाँव लोके विरोध करथिले परे पुलिस को माड़ मारी अभियुक्त को छड़ाई नेथिबा अभियोग होइछे फळरे चारि पुलिस कर्मचारी आहत होइछंती परे पुलिस विलंबित रात्रि जा सात जन को उठाई नहीं पुलिस को आक्रमण करथिबा लोक माने फेरार हो जाइछंती सुरक्षा दृष्टि गाँव में गोटे प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन करा जाय छे अग्निकाण्ड रे जळीगला 10 रो अधिक घर विलंबित राति रे भद्रक ब्लॉक रो कलेई पंचायत बळाजीत पडा गाँव में अग्निकाण्ड घटी है अग्निकाण्ड में चारोटी परिवार 10 रु ऊर्ध घर जली पोड़ी पाउंस हो जाए केवल घर नुहे घर आसबावपत्र समेत घर धान चाउल घरकरणा जिनिष पिंधा लुगा पोड़ी पाउंस हो जाए मध्यरात्रि रे खबर पाई भद्रक दमकल बाहन निआ को आयत्त करते कि चारोटी परिवार सर्वशांत हो पड़ा सर राति शु खाई शु रा बारटा पंदर देख ला बेलू छुआ कहे धूआं कौन ये उठिक नीला मथान धरला निआ पूरा तो जाऊँ घर सब बाहरी आसज पत्र पटा पाउती आना गणा आ सब तो पुड़ी गोटे जहाँ सब तो देखुं आखिर सब तो पुड़ी जा मथान तो लगे आम तो शुनि सब देखे उठला जिनस पत किसी कारण सागे सागे चारिड़े निगला से जिनस गोटे भी कड़ा है सब जाए गणा पणा सब सब सजाती घर करना जिनस सर्टिफिकेट सी पासबुक बही गहना सब सर्ट सर्किट रो जळीगला लक्षाधिक टंकार मेसीन और जिनसपत्र एथस आखु पेड़ी गुड़ तैयारी करी रखा जाइथिबा सबु गुड़ रे निया लागी पाउंस हो जाइछे नवरंगपुर थाना अंतर्गत एस मालिकुड़ा गाँव में घटी घटना घटना अनुसार एस मालिकुड़ा ग्रामर आखुचाषी लाइवन्य अमानत्य आखु पेड़ा खड़ गुड़ प्रस्तुति कम चलता बेले खड़ा उपर दे जाइथिबा 33 केवी विद्युत तारु सर्ट सर्किट घटी तार छिनि पड़ा फल अग्निकाण्ड घटीला निर प्रकोप एत भयावह कि बुझा आगु निया लगे खड़ा प्रस्तुत होता प्राय 60,000 ऊर्ध टंकार गुड़ सह 14,000 टंका एवं लक्षाधिक टंकार आखु पेड़ मेसीन जलीपोड़ी पाउंस हो जाए खबर पाई अग्निशम बाहन घटनास्थल में पहुंची निया को आयत्त कर राज्य अभला जो दुईज सरकारी कर्मचारी निलंबित दुईज सरकारी कर्मचारी निलंबन कर भद्रक जिलापाल बासुदेवपुर तहसिल अमीन पंकज कुमार जेना को और डाटा एंट्री ऑपरेटर बलराम जेना को कार्यर अवहेला जो निलंबन कर पूर्व इन बहु दुर्नीति कार्य संप्रक्त अभियोग आज को ठीक वर्षक तले मृत्यु को अति निकटर सामना करते ब्रह्मपुरवासी गंजाम गोलंथरा थाना मेढराजपुर विद्युत तार लगे बस चलीजापर एवं हाथ गोड़ अचल 11 जन गुरुतर आतंक मध्य 6 जन अंग प्रत्यंग को काटि दिगला कहार दुई गोड़ काटि दि जा तो कहार दुई हाथ देखा रिपोर्ट क्षतचिन्ह सुखी किंतु सुखुनी लुह दुर्घटना परे दुर्विषह जीवन एमाने आगुरु एमिति नथिले
ଆଜିକୁ ଠିକ୍ ବର୍ଷକ ତଳେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଗୋଳନ୍ଥାରା ଥାନା ମିଣ୍ଡରାଜପୁରରେ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଲାଗି ବସ୍ ଜଳିଯିବା ପରେ ଏବେ ହାତଗୋଡ଼ ଅଚଳ। ଏଗାର ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଛଅ ଜଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ କାଟି ଦିଆଗଲା। କାହାର ଦୁଇ ଗୋଡ଼ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି ତ କାହାର ଦୁଇ ହାତ, କାହାର ପୁରା ଶରୀର ନଷ୍ଟ। ଏହା ଭିତରେ ବର୍ଷେ ବିତିଛି। ବିଡ଼ମ୍ବନା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କୁ ମିଳିନି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କେବଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମାତ୍ର 25,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ମୃତକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସରକାର ଯେଉଁ 6 ଲକ୍ଷର ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସେଥିରୁ ମାତ୍ର 4 ଲକ୍ଷ ମିଳିଥିବା ବେଳେ 2 ଲକ୍ଷ ଏଯାଏ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ, ସେତେବେଳେ MLO, MP, ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ଘର ପାଖକୁ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ମଧ୍ୟ। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାକିରି ଆଉ ସହାୟତା ମିଳିବ, କିଛି ଟେନସନ୍ ନେଇନି ମା, ଟିକେ ଭଲରେ ରହିଥାଅ, ଆଉ ଯାହା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ସବୁ ଫ୍ରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଶୁଣିଥିଲେ ଗୋଟେ ମାସ ବିତିଲେ ତ କରୋନା ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆମର ଦାବିରେ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ ଦାବି କ'ଣ? ଆମର ଦାବି ଆଉ ମୃତମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାକିରି ହେଇଥିଲେ ଆମେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଦୁଇଟା ଗୋଡ଼ କଟା ହେଇଯିବାରୁ ଆମର ବେଶୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। କ୍ୱାର୍ଟରୁ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ବାବାଙ୍କର ପ୍ୟାରାଲିସ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଚାକିରିଟି ମିଳିଥାନ୍ତା ବେଲେ ମୁଁ ଗରିବ ହୁଁ, ପଇସାଥାନ୍ତି ବେଲେ ମୋର ଆଶା ଅଛି। ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ମାଆଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି? କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲେ ଲେଖା ବି ପକାଉନାହାନ୍ତି। 2020 ଫେବୃଆରୀ 9 ତାରିଖ ଗୋଳନ୍ଥରାରୁ କିଛି ଲୋକେ ସିଲ୍ ସିଟି ନାମକ ଏକ ବସ୍ରେ ନିର୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ କନ୍ୟାଘର ଚିକରଡ଼ାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମିଣ୍ଡରାଜପୁର ରାସ୍ତାରେ ଛକି ରହିଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ। 11KV ତାର ଲାଗିଯିବାରୁ ଜଳିଯାଇଥିଲା ବସ୍। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି 12 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଆହତ ହୋଇଥିଲେ 39 ଜଣ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିଥିବା ଏହି ଲୋକମାନେ ଏବେ ପଙ୍ଗୁ ହୋଇଯିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଚଳାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। କିଆ ଫୁଲ ତୋଳି ପରିବାର ଚଳାଉଥିବା ଲୋକେ ଏବେ ନିଃସହାୟ। ମୁଁ ବଢେଇଥିଲା ମା ବାପାକୁ ଦେଶ ଯାଇକି କଷ୍ଟ ପଡ଼ିକି ମା ବାପାକୁ ପୋଷିବାକୁ ଥିଲି ଭାଇ ନା, ଏମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଗଲା ଯେ କାମକୁ ମୁଁ ହୋଇପାରିଲିନି, କାମ କରିପାରିବିନି ଭାଇ ନା। ଆଉ ସରକାର ଗୋଟେ ଜବାବ ଦେଲେ ଆମ ବାପା ମା ବାପାକୁ ପୋଷିକି ବାପାକୁ ପୋଷିକି ରଖି କ'ଣ କହିଲା ଆଜ୍ଞା। ମାମର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ସେଇ ଦୁଃଖଟା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନି ଜାଣିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ତ ଡେଥ ହେଲେ ହେଲେଣି, ଡେଥ ଘର ତ କାନ୍ଦିକି ସେ 12 ଦିନ ମାସେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଇଞ୍ଜୁର ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଗାଁର ପରିବାର ଲୋକ ଦେଖିଲେ ବି ଆମକୁ ମୁଣ୍ଡରେ କାନ୍ଦ ହେଉଛି। ତାଙ୍କର ସରକାର ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ ମିଳିଲେ ତାଙ୍କର ପରିପୋଷଣ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଆମର ଦାବି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ଅସହାୟଙ୍କୁ ଅସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର? ଘୋଷଣା ପରେ ସହାୟତା ମିଳିଲା କି ନାହିଁ ତଦାରଖ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଶାସନ ନୁହେଁ କି? ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର ଅବହେଳା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଘଟଣ ହେଲା ତାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ମାତ୍ର 25,000। ଘଟଣାର ମାସକ ଯାଏ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଁକୁ ଆସି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।